आपने भारतीय नोटों को गौर से देखा ही होगा, जहां हर नोटों का साइज और कलर दोनों ही अलग अलग होता है और साथ ही उनमें भारत की कई खास जगहों का चित्र भी है। तो आज हम इन्हीं जगहों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये जगहें कहां हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2000 रुपए के नोट से। इसके अमाउंट की तरह ही इसका साइज भी बाकी नोटों के मुकाबले बड़ा है। इस नोट पर छपी मंगलयान की तस्वीर हमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक उपलब्धि की याद दिलाती है। बता दें कि 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही हम रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गणना में आ गए। पहले ही बार में भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था। नंबर 2, 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट पर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। लाल किले की तस्वीर पहले भी नोटों पर दर्ज की जा चुकी है। इसका निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। साल 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज भी घोषित किया था। नंबर 3, 200 रुपए का नोट। 200 रुपए के नए नोट पर दर्ज बौद्ध काल का स्मारक शानदार और भव्य प्रतीत होता है। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के गांव साची में स्थित है। यह जगह भोपाल से महज लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि साची स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में बौद्ध काल के दूसरे स्मारक भी मौजूद है। नंबर 4, 100 रुपए का नोट। नीले और जामुनी रंग के 100 रुपए के नोट में रानी की वाव की तस्वीर छपी है। रानी की वाव गुजरात के पाटन गांव में है। ये वावड़ी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। रानी की वाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इस बावड़ी को सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनवाया था। बावड़ी के नीचे एक छोटा सा द्वार है, जिसके भीतर 30 किलोमीटर की एक सुरंग भी है, लेकिन फिलहाल इस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया है। नंबर 5, 50 रुपए की नोट। हल्के रंग के 50 के नोट पर छपा है हम्पी का रथ। हम्पी का इतिहास सम्राट अशोक के शासनकाल का है। हम्पी कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस जगह की खूबसूरती की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। यह प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर का अवशेष है। इसे यूनेस्को ने भारत में स्थित विश्व विरासत का दर्जा दिलाया है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के तमाम अवशेष मौजूद है। हम्पी का इतिहास तो वैसे काफी प्राचीन है। कहा जाता है कि कुछ समय में ये संपन्न और धनी राज्य बन गया था। नंबर 6, 20 रुपए का नोट। 20 रुपए के नोट का रंग हल्का पीला और हरा है। इस नोट में विश्व धरोहर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर बनी हुई है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर है। इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं को 1000 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। महाराष्ट्र का प्रमुख कैलाश मंदिर भी इन्हीं गुफाओं में बना हुआ है। नंबर 7, 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट पर यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। भारत के उड़ीसा में स्थित इस सूर्य मंदिर की विशेषता को जानने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक यहां आते हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के बेटे साव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से बेहद पास में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।